की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी जो पार्लियामेंट में फिर से अटैक की कोशिश की गई है एंड दिस इज शॉकिंग। 22 साल बाद वो रिपीट करने की कोशिश की गई है जब पूरा देश भयभीत हो उठा, देश लज्जित हो चुका। दिस इज शॉकिंग और ये सिक्योरिटी ब्रीच दिखाता है हमारे पार्लियामेंट की। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों ये एक पिक्चर आई है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धुआं है, जो लोकसभा के जो चैम्बर्स हैं जितनी भी वहाँ से देखा जा सकता है, जो पीछे आपको चैम्बर्स नज़र आ रही होंगी, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है अगर इसको सही मानों में देखा जाए। इंडिया के पार्लियामेंट लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और 2 लोग वहाँ पर दाखिल हुए हैं। अब ये एक ऐसे मौके पर वाकया हुआ है कि जब एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंडिया के पार्लियामेंट पर जो 2001 में अटैक हुए थे, हमले हुए थे, उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। 21 या 22 साल जब मुकम्मल हुए तो उसके सिलसिले में लोकसभा में स्पीचेस जारी थी जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था उन लोगों को कि जो उस हमले के नतीजे में अपनी जानों से चले गए थे। जय दोस्तों, जय श्री राम। आज के दिन 13 दिसंबर 2001 को भारत के पार्लियामेंट पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। और अब हाल फिलहाल में पन्नू ने बोला था कि 13 दिसंबर के आसपास भारत के पार्लियामेंट पे दोबारा हमला करेंगे। तो अब जो आज एक तरह से भाई अटैक ही होगा ये, और ये लड़की बता रही है कि भाई ये कौन है कौन नहीं वो देखिए आप लोग वीडियो के बाद बात करेंगे। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जरूर रखें, वीडियो शुरू करते हैं। हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर किसान छोटे व्यापारी दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर जो 22 साल पहले आक्रमण हुआ था, मैं समझता था कि वो भयावह घटना अब उसका पटाक्षेप हो गया उस घटना के बाद, क्योंकि हमने अपने संसद की, राज्यसभा की और उस क्षेत्र की सुरक्षा को बहुत ही उच्चीकृत किया था। टेक्निकल, फिजिकल ट्रेनिंग, हर मापदंड पे हम लोग खड़े उतर रहे थे। लेकिन आप अगर इस घटनाक्रम को देखें, मैं इसको एक सफल आक्रमण मानता हूं, मैं प्रयास नहीं कहूंगा, ये एक सफल आक्रमण है। क्योंकि बस ये फर्क ये होता कि पीली गैस की जगह अगर जहरीली गैस होती तो आज परिदृश्य बिल्कुल अलग था। इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक सफल आक्रमण हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे था। आपने ये भी कहा कि शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक, जितने भी शब्द मैं कहूंगा वो कम पड़ेंगे इस दुर्घटना को लेकर के। आखिर हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं ने जो 2001 में शर्मनाक कायरतापूर्ण आक्रमण हुआ था उससे कोई नसीहतें ली थी? जाहिर है कि नसीहतें लेने के बाद और 13 दिसंबर को लेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू जो चरमपंथी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है अमेरिका के हिफाजत और जेर साया और उनके टुकड़ों पर पलने वाला, मैं कह रहा हूं उनके टुकड़ों पर पलने वाला, उसने तो खुल के कहा था या तो 13 दिसंबर 2023 को या उसके दौरान हम संसद के ऊपर हमला करेंगे। क्या हमने उसको इतने हल्के में लिया या इसलिए हमने किया कि उसने कहा हम 18 नवंबर को एयर इंडिया का प्लेन उड़ा देंगे? नहीं उड़ा तो हमने इसको हल्के में ले लिया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा एजेंसीज का काम यह है कि प्रत्येक धमकी को पूरी गंभीरता पूर्वक ले और 100% काम न करके 200% उसके ऊपर कार्रवाई, अनुसंधान और सत्यापन करे। देखिए होता कुछ यूं है कि जिस वक्त ये सेशन जारी था, जो कि मैंने आपको बताया कि उन हमलों की एनिवर्सरी के तौर पर ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे थे, तो उस दौरान दो आदमी जो कि गैलरी में बैठे हुए थे, वो पब्लिक गैलरी थी या रिपोर्टर्स की गैलरी थी, वहां पर वो बैठे हुए थे और वहां से उन्होंने जंप किया और उन दो लोगों ने छलांग लगाकर हॉल में वो दाखिल हुए। तो जैसे ही होता है, क्योंकि मैंने ये सारी वीडियो देखी है, जैसे ही ये होता है उसी वक्त सिक्योरिटी वाले आते हैं और उनको दबोच लेते हैं। लेकिन उस दौरान चंद सेकंड्स या 1 से 2 मिनट के दौरान हुआ क्या कि जब उन्होंने जंप किया हॉल के अंदर तो एक हड़बोंग मच गई, क्योंकि एक मंत्री उस वक्त, शायद वो मेरे ख्याल मिनिस्टर ही हैं, वो स्पीच करें तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये आवाज़ कैसी आई, क्योंकि जब कोई कूदता है या जंप करता है तो ज़ाहिर है आवाज़ पैदा होती है, तो वो देखते हैं कि कोई जंप कर रहा है और लोग उसको पकड़ने की कोशिश करें तो अपनी स्पीच रोक देते हैं और फिर उसी वक्त जो है वो एक हंगामी सूरत हाल पैदा होती है और लोग भागना शुरू कर देते हैं। और जो स्पीकर है वो बहुत ही एक्टिव नजर आए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये देखा है
और उनको चंद लम्हों के अंदर अंदाजा हो गया सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने जो सेशन है उसको रोक दिया, रोकने का ऐलान कर दिया। और फिर उसके साथ ही सिक्योरिटी के लोग भागते हुए चारों तरफ से आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। लेकिन उसी दौरान वो जो दो आदमी जिन्होंने जंप किया, उनमें से एक ने अपने जूते को छुआ नीचे होकर और अपने जूते से कोई ऐसी चीज निकाली या कुछ किया कि जिसकी वजह से वहां पे धुआं फैल गया। अब उसको आंसू गैस कहा जा रहा है या वो टीयर गैस है, येलो कलर का कोई कह रहे हैं कि वो धुआं था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी इस ये जो कुछ हुआ इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। और ये जो बंदा है जिसको जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आया विजिटर्स गैलरी में और जिसने ये स्मोक कैनिस्टर फेंके, उसका नाम जो है वो सागर शर्मा के नाम पे बताया जाता है। और ये एक इंडियन ये जो पार्लियामेंटेरियन ही है जो कि मेंबर पार्लियामेंट है प्रताप सिम्हा साहब मैसूर से, उनको उनके कहने पे ये आया था। जारी बात है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अगर आप पहुंचते हैं तो देन आपको कोई ना कोई बंदा लेटर देता है कि जी ये बंदा जो है यहाँ पे आ सकता है या उसके वाले से बता सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन अ सेंस कि आज 13 दिसंबर है और आज के दिन ही वो जो पन्नू है ही सेड दैट कि मैं इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट उसने ये कोई चीज़ कही थी, जिसको जारी बात है एक बड़े इंपॉर्टेंट नज़र से देखा जाएगा क्योंकि वो उसने कहा था कि जी मैं 13 दिसंबर को ये करूंगा। इससे पहले वो कह चुका है जी कि मैं इंडियन एयर जो है उस पर हमला कर दूंगा। ये चीज़ें जारी बात है पन्नू के अब खिलाफ जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 13 दिसंबर इज नोन एज इंडिया की जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक है उसके हवाले से है। और ये जो कैनिस्टर्स खोले गए, ये येलो कलर्ड स्मोक हर तरफ नजर आएगा, ये विजिटर गैलरी में मौजूद थे। अब इट मींस कि ये पीपल जो लोग हैं बड़े नॉर्मल लोग थे लेकिन सम हाउ दे मैनेज टू गेट द पासेस। तो देखिए आप लोगों ने वीडियो देखी तो देखिए एक सिक्योरिटी में जो बहुत बड़ी, यानी कि आज जो बंदे थे लड़का और लड़की भी थी बाहर से, जो नीलम अपना नाम बता रही है और इसके साथ एक और लड़का था वो महाराष्ट्र से था और ये नीलम है जो ये हरियाणा से थी। उसके बाद न्यूज वालों ने उसके नीलम के घर पे जाकर उसकी माँ से भी इंटरव्यू किया था तो उसकी माँ बता रही थी कि ये लड़की है जो नौकरी को लेकर परेशान थी। तो देखिए भाई भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा में जो ये लड़की हरियाणा की, यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में नौकरियां भी लग रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये सरासर ये झूठी बात होगी कि भाई नौकरी के लिए लेकर ये परेशान थी। देखिए छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की नौकरी है, मैं बता रहा हूँ भाई हर तरह की नौकरी है लग रही है। तो ये पता नहीं भाई ये लड़की कौन सी नौकरी चाह रही थी कौन सी नहीं। और जो इसका ये प्रदर्शन था ये बिल्कुल वाहियात। आज तो यार सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग घर से बैठकर अपना कितनी भी बड़ी मुहिम छेड़कर कहीं तक भी पहुंचा सकते हो। जो ये हाईलाइट होने के लिए इस लड़की ने किया है, देखिए आरंभिक जांच में जो है ओम बिरला जी ने बताया है जो वहां पर स्मोकिंग के लिए जो यूज किया गया था जो धुआं वो एक नॉर्मल धुआं था, उससे किसी को वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई है। बट ये अगर एक्चुअल में जो अपने जूते में डालकर वहां पर पार्लियामेंट के अंदर स्मोक को धुएं वाली उसको जो डिब्बी थी वो उसको ले गया तो आप लोग सोच सकते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में भी सिक्योरिटी जो आज लूज रह गई है इसकी जिम्मेवारी जरूर लेनी चाहिए और इसकी जांच बनती है। जबकि आज के दिन जो विजिटर बन के गए थे या जैसे भी गए थे, आज के दिन पन्नू ने और आज के दिन ही 21वीं बरसी जो भारत के शहीदों को नमन आज किया था तो उसमें फिर से कोलैप्स आज किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आज मुद्दा भाई देश दुनिया तमाम में आज उठ रहा है बिकॉज ऑफ भारत ने भी जस्ट G20 भी कराया है और इतने तमाम। और सबसे बड़ी बात तो भाई दिल्ली की पार्लियामेंट में आज दोबारा से चूक हुई है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर करें। जय जवाहर जय श्री राम।